वेलकम टू एवरीबॉडी। जैसा कि पिछली वीडियो में देखा गया कि जो त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पार्ट वन और पार्ट टू देख चुके हैं, और उसी पार्ट टू में सवाल नंबर एक भी हो चुका है। सवाल नंबर एक के बाद सवाल नंबर दो, तीन, चार, जितने भी उनको बारी बारी से पढ़ते जाएंगे, यानी एक एक सवाल को हमें क्लियर करना है। तो जब सवाल नंबर एक हो चुका है, उसके बाद सवाल नंबर दो पर आते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और ये सवाल भी उसी तरह समझ में आएगा जैसे वो सवाल समझ में आए हैं। तो सवाल नंबर दो, इसको देखते हैं कैसे कहे क्या रहा है। पहले पूछा क्या है इसने, आकृति टैन पी, एक आकृति दी हुई आकृति में, तो आकृति सामने लिखी बनी हुई है, टैन पी माइनस काट आर का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे एक अनुपात टैन आया है और एक अनुपात काट आया है, एक को पी के हिसाब से चलना है, एक को आर के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से चलते हैं या फिर जिसके हिसाब से चलते हैं उसके हिसाब से चलने में क्या किया जाता है, ये कल भी बताया गया था, आज दोबारा बता देंगे। कैसे देखते हैं, लिखा है पहले टैन पी, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि अगर एक त्रिभुज है सामने और इस त्रिभुज में अगर दो भुजाएँ ज्ञात हैं तो तीसरी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि बताया गया कि जब तक त्रिभुज में तीनों भुजाएँ नहीं होंगी तब तक सवाल हल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो पहले तीनों भुजाएं ज्ञात कर लें। तीनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए कि जब एक भुजा न ज्ञात हो, दो ज्ञात हो, तो एक प्रमेय लगाई जाती है जिसका नाम बताया गया था पाइथागोरस प्रमेय। तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, इतना होता है। अब आकृति में देख रहे हैं, जो आकृति बनी हुई है कर्ण कौन सी होती है, तो ये वाली रेखा देखो लंब है, ये आधार होती है और ये कर्ण, तो कर्ण यहाँ पे लिखा है, तो कर्ण का मान देख रहे हैं कितना आया है, 13 है, इसका वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, बराबर लंब देखते हैं, तो लंब ये वाली बताई गई लंब कितनी है, लंब है 12, इसका भी वर्ग करते हैं, धन आधार, आधार का यहाँ पे स्क्वायर। अब और बढ़ते हैं आगे, 13 का दो बार गुणा करेंगे या 13 का वर्ग निकालेंगे तो 169 होता है, 12 का दो बार गुणा करते हैं यानी 12 बार हम 144 ऐसे, प्लस आधार स्क्वायर। फिर और बढ़ते हैं आगे, 169 लिखा है, प्लस का 144 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर लिखा है आधार स्क्वायर। 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, बराबर आधार स्क्वायर। अब यहाँ से वर्गमूल लेंगे, लिख भी सकते हैं या ना लिखें, यानी लिख सकते हैं वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल लिया जाएगा तो 25 का वर्गमूल होता है 5, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, या फिर लाइन बढ़ा दें थोड़ा सा, जैसे है लिख सकते हैं वर्गमूल लेने पर 25 का वर्गमूल होता है यानी 5, इसका वर्ग कर सकते हैं ऐसे, और आधार भी लिखा है ऐसे, आधार इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। देखना यह है कि 5 को दो बार गुणा करेंगे तो 25 मिलेगा, और यहाँ पे आधार का स्क्वायर है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो 5 बचा, और इधर बच रहा है आधार। देखा जाता है कि आधार का मान, आधार कितना आ गया, 5। तो अब आकृति में लंब भी ज्ञात है, कर्ण भी ज्ञात है, और आधार नहीं ज्ञात था लेकिन निकाल लिया गया, तो कितना आ गया, 5। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती हैं तो त्रिकोणमिति का सवाल आसान हो जाता है। इस पे मान किसका पूछा जा रहा है उसको देख लेते हैं, टैन पी माइनस काट आर का, इसको अलग लिखते हैं यहाँ पे, टैन पी माइनस काट आर, इसको देखते हैं कैसे हल करना। टैन का सूत्र था वही लाल बटे कक्का से, शायद अब सबको याद हो गया होगा, तो इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, माइनस लगाए माइनस लगाएंगे, काट का सूत्र होता है आधार बटे
लंब। अब मेन पॉइंट ये है यहाँ पर कि एक को पी के हिसाब से चलना है ये वाले को, और इसको आर के हिसाब से चलना है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर जिसको कल कठिन लगे हैं सवाल उनको देखते हैं। पी के हिसाब से कैसे है, अगर पी के हिसाब से चलना है तो ये है यहाँ पर पी आकृति में, और पी के हिसाब से जब चलेंगे तो जिस हिसाब से चलते हैं उस वाली रेखा को मानना पड़ता है आधार, या फिर वो आधार हो जाती है। तो आधार अब बन रहा है 12, तो जब ये आधार होगा तो फिर अब लंब बन जाएगा ये वाला, क्योंकि कहा गया जिसके हिसाब से चलना है उस रेखा को आधार मान लेते हैं और जो दूसरी सीधी रेखा बचती है उसको लंब मान लेते हैं। तो लंब का मान अब इसके हिसाब से देखा जा रहा है तो 5 है, बटे आधार लिखा है तो आधार अब ये वाला माना जाए क्योंकि पी के हिसाब से, तो कितना है ये 12 है। माइनस लगा है माइनस आधार, अब आर के हिसाब से देखिए तो आर ये लिखा है, जिसके हिसाब से देखना है उस रेखा को आधार माना जाता, तो अब आधार ये बनेगा और दूसरी जो सीधी रेखा वो अब बनेगी लंब। इसी पे देखते हैं, ये हो गए लंब। तो अब आधार क्या है 5 और लंब कितना है, अब ये वाला है क्योंकि इसके हिसाब से चल रहे हैं, लंब है 12। तो 5/12 प्लस का है, प्लस लिखा नहीं जाता पहली बार में, 5/12 माइनस का है तो प्लस माइनस कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। तो जैसा कि सवाल नंबर 2 में देखा गया, टेन पी माइनस काट आर का मान पूछ रहा था, तो टेन पी माइनस काट आर का मान 0 आ गया। इसके बाद सवाल नंबर 3 देखते हैं, इसमें है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और टेन ए का मान निकालना है। मान को बाद में देख लेते हैं, पहले ये देखते हैं कि आकृति कैसे बनने जा रहे हैं। हल लिखते हैं यहाँ से, हल ज़रूर डालें जैसे कि ऊपर वाले में अभी नहीं पढ़ा हुआ है। हल साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का सूत्र क्या बनता था, लंब बटे कर्ण। ये कहाँ से आया, लाल बटे कक्का से, बनाना बताया गया है इंट्रोडक्शन में। तो लंब का मान देख लीजिए ठीक सामने है 3, कर्ण का मान ठीक सामने आ रहा है 4। तो आकृति किस प्रकार बनने जा रहे हैं, पहले एक चित्र बना लेते हैं ऐसे, मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। अब ए कहाँ पर लिख दें कि ए के हिसाब से चला जाए, तो इधर से करेंगे ए बी सी। देखना क्या है, लंब ए के हिसाब से चलेंगे तो जिसके हिसाब से चलते हैं वो रेखा आधार कहलाती है, इसका मतलब लंब कौन सा हो गया, ये वाला। तो लंब कितना आ रहा है 3, कर्ण कितना आ रहा है, तिरछी लाइन होती है कर्ण, 4 आ रहा है। क्या नहीं है, आधार नहीं है। जब तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो एक प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण का मान देख लीजिए कितना आया है 4, या फिर यहाँ से देखिए कर्ण के बराबर में है 4, यानी कर्ण का मान है 4। स्क्वायर स्क्वायर करिए बराबर, लंब देखते हैं लंब कितना है 3, या फिर लंब देखते हैं 3 है, 3 का स्क्वायर करते हैं, प्लस आधार लिखा है, आधार नहीं है तो निकाल लेंगे इसको बाद में, आधार स्क्वायर। 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9 आएगा, आधार स्क्वायर 16 लिखा है, प्लस का 9 इधर भेजेंगे माइनस में, बराबर है इधर अब आधार स्क्वायर। प्लस की संख्या जब पक्षांतर के बाद इधर आती है तो माइनस की हो जाती है, 16 में 9 घटाएंगे 7, बराबर है आधार स्क्वायर। और आगे बढ़ रहे हैं, आधार स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्गमूल लेना पड़ता है। वर्गमूल लेने पर जैसे वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से केवल आधार बचेगा, और 7 का वर्गमूल नहीं होता है तो इस पर लगा देंगे कर्णी चिन्ह। कुल मिला के ये देख रहे हैं आधार का मान √7 आया, इसको यहाँ पे लिख देंगे √7। बस सबसे मेन होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएं तो इसका सवाल बिल्कुल इजी हो जाता है। किसके किसके मान निकालने हैं उनको लिखते हैं, कास ए, कास ए बराबर सूत्र होता है आधार बटे
कारण। लाल बटे कक्का से है, एक हिसाब से चलना है तो जिसके हिसाब से चलते हैं वो आधार होता है, बाकी दूसरी सीधी रेखा जो बचती है वो लंब होता है। इसका मतलब आधार इसका कितना आया ये होना, क्योंकि इसके एक हिसाब से चल रहे हैं तो आधार कितना है अंडर रूट 7। बटे है, बटे करिए कर्ण लिखा है तो कर्ण सेम होता है, तो कर्ण कितना है चाहे आकृत से देख लें या फिर मान से देख लें, कर्ण आ रहा है 4। एक आंसर ये हो गया। दूसरा है टैन ए, तो टैन ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान एक हिसाब से चलेंगे तो जिसके हिसाब से चलते हैं उस रेखा को आधार मानते हैं, जो बाकी दूसरी सीधी रेखा बचती है उसको लंब मानते हैं, तो लंब यहाँ पर है 3 और आधार है अंडर रूट 7। आधार देख रहे हैं अंडर रूट 7। इस प्रकार सवाल नंबर 3 भी समाप्त होता है। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि है सवाल बिल्कुल पहले के सवालों की तरह, पर कन्फ्यूजन आ ही जाती है बच्चों को। कन्फ्यूजन कैसे आ जाती है कि यहाँ पर मान नहीं ढूंढ पाते हैं, कैसे नहीं ढूंढ पाते हैं देखते हैं कहाँ फंस जाते हैं बच्चे। लिखा है 15 काट ए बराबर 8। तो इस पे देखा जाता है कि एक मान है केवल 8, तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि इस 15 को उधर भेज दें तो 2 मान बन जाएंगे, नहीं कुछ बन जाएगा बटे में। तो देखते हैं कैसे भेजना है। ये लिखा है काट ए, ऐसे काट ए के गुणा में है 15, गुणा की संख्या पक्षांतर के बाद जब जाती है तो गुणा की भाग में जाती है, जैसे कि धन की ऋण में जाती है गुणा की भाग में जाती है, यानी जस्ट उल्टा होता है। काट ए बराबर आ गया 8/15। फिर पाइथागोरस प्रमेय लाल बटे कक्का से अगर देखा जाए तो काट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, ये बनेगा आधार बटे लंब। यहीं से देख लीजिए कि आधार का मान क्या है 8, लंब का मान है 15। अब यहाँ पे भी ए दिए हैं, जिनके मान निकालने वो भी ए दिए हुए हैं। अगर ये सेम हो तो फिर चित्र ना भी बनाएंगे तब भी मतलब आराम से हल हो जाएगा, अगर चित्र नहीं बनाते तब भी हल हो जाएगा। कब ऐसी सिचुएशन में मतलब बनाना है, जब जो आया है वो जिसके मान निकालने वो भी अगर सेम है, जैसे यहाँ पे ए दिए था, यहाँ पर भी ए दिए हैं, यहाँ पर भी ए दिए हैं, तो जब ये तीनों एक ही चीज़ हैं या ए ए केवल लिखे हैं, तो इसका मतलब चित्र बनाएं या ना बनाएं ऐसे लग जाएगा। देख सकते हैं कि आधार का मान है 8, लंब का मान है 15, तो क्या नहीं है, तीसरी भुजा कौन सी नहीं है, कर्ण नहीं, लंब भी आधार भी तो कर्ण नहीं है। अगर तीसरी भुजा निकालनी है तो प्रमेय से चलते हैं, प्रमेय को लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ पे कर्ण स्क्वायर नहीं है, लंब का मान कितना है 15, स्क्वायर स्क्वायर करिए आधार लिखा है, आधार का मान है 8, 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर है कर्ण स्क्वायर, फिर है कर्ण स्क्वायर, 15 का 2 बार गुणा किया जाएगा या फिर 15 का वर्ग निकालेंगे तो 225, 8 का 2 बार गुणा करेंगे या फिर 8 का वर्ग है 64, फिर है कर्ण स्क्वायर बराबर 225 और 64 को ऐड करेंगे तो 289 आएगा। इसके बाद वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेते हैं तो जब वर्गमूल लिया जाता है तो स्क्वायर हट जाता है, और 289 का वर्गमूल अगर देखा जाए तो लेके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें 17, कर्ण का मान आ गया है 17। आगे देखते हैं मान किसके निकालने थे, साइन ए के। कहा गया कि अगर ये सेम होते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है और इस पर भी ए है, तो चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तब बिल्कुल सेम करते चले जाएँ। लंब देखते हैं तो लंब का मान कितना है 15, बटे कर्ण लिखा है तो कर्ण का मान कितना निकाला गया 17। एक आंसर ये, और फिर लिखा है दूसरा सेक ए, तो सेक ए का सूत्र लाल बटे कक्का से देखेंगे जाकर तो कितना बनेगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देख लीजिए कितना निकाला गया, कर्ण है 17,
आधार कितना है ए के हिसाब से, क्योंकि सब ए के हिसाब से हैं, तो कुछ नहीं करना, न चित्र बनाना न हिसाब देखना है, केवल जैसे उस तरह देखते रहिए। आधार कितना है आठ, आठ कर दीजिए, दूसरा आंसर ये। अब कुछ लोग कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, शायद हो भी रहे होंगे कि पहले जब पाइथागोरस प्रमेय लिखा गया तो कैसे लिखा गया था, ऐसे करके कर्ण बराबर करणी चिन्ह लगाए थे, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो इस पर कोई अंतर नहीं है। देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर इधर लगा है तो उधर करणी चिन्ह नहीं है, अगर यहाँ से स्क्वायर गैप करते हैं तो वहाँ पर करणी चिन्ह लगाते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। फिर इसके बाद अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। एक आया अनुपात, कुल अनुपात त्रिकोणमिति में 6 होते हैं, तो एक अगर यहाँ पे आ गया है तो 5 बचे हैं, कौन कौन से 5 हैं, वो तो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा और कासिक थीटा, इन्हीं अनुपातों के मान निकालने यानी परिकलित करना। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सेक थीटा बराबर जो आया उसको लिखते हैं, सेक थीटा बराबर आया है 13/12 ऐसे, तो सेक का सूत्र देखा जाए लाल बटे कक्का के हिसाब से तो कर्ण बटे आधार आएगा। बताया गया कि जब तक तीनों भुजाएं नहीं पता चल जाएंगी तब तक लगाना कठिन है या लगेगा ही नहीं, तो कर्ण भी है आधार भी है तो कौन सी नहीं है, एक लंब, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों के नाम हैं लंब आधार और कर्ण, अगर कर्ण और आधार आ गया तो लंब निकालना पड़ेगा, तो लंब अगर तीसरी भुजा निकालनी है तो प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर लिखा है तो कर्ण देख लीजिए कितना है 13, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाइए, लंब नहीं है लंब निकालना है, स्क्वायर स्क्वायर लगाइए, धन आधार लिखा है, आधार का मान लिखा है यहाँ पर 12, 12 का वर्ग करिए, 13 का 2 बार गुणा करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, लंब स्क्वायर और फिर है धन, यहाँ पे धन है, फिर है 12, 12 का 2 बार गुणा करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 144, फिर और बढ़ते हैं, 169 है, धन का 144 इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, फिर लिखा है लंब स्क्वायर, 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा और बराबर लिखा है लंब स्क्वायर, फिर और बढ़ेंगे वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लिया जाएगा तो स्क्वायर अगर लगा है तो हट जाता है, केवल लंब बचेगा, और 25 का वर्गमूल अगर लिया जाएगा तो 25 का वर्गमूल होता है 5, लंब का मान कितना आ जाता है 5। अब पांचों अनुपात बड़े आसानी से ज्ञात हो जाएंगे, तो पांचों को बारी बारी से देखते हैं। पहले साइन थीटा लाल बटे कक्का से बनेगा तो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे आकृति क्यों नहीं बनाई गई, क्योंकि सब थीटा हैं, जब हर एक चीज़ सेम हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आकृति ना बनाइए, ऐसे ही लग जाएगा। लंब देख लीजिए कितना है, लंब आया है 5, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं, फिर बटे कर्ण लिखा है, कर्ण को देखते हैं, कर्ण कितना आया है 13, एक अनुपात ये आ गया, एक आंसर ये। कास थीटा को देखते हैं तो कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण है बराबर, देखिए आधार कितना है तो आधार है 12, 12 लिखते हैं, फिर बटे कर्ण लिखा है, कर्ण को देखते हैं 13। परिचय में बताया गया था वैसे भी कि सेक और कास एक दूसरे के शत्रु होते हैं, तो ये सेक लिखा है और ये कास लिखा है, जब शत्रु होते हैं तो शत्रु का मतलब बताया गया एक दूसरे के उल्टा होते हैं, मान को भी देख लीजिए एक दूसरे के उल्टा है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन फार्मूला लेके चल रहे हैं। बराबर फिर तीसरे को देखते हैं, टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, देखिए यहाँ पर लंब कितना आया है, लंब निकाला गया है 5, आधार कितना है तो आधार आया है 12। फिर है चौथा अनुपात काट थीटा, आर कितना आया है 12, लंब कितना है, लंब आया था 5। फिर कासिक है तो कासिक का सूत्र होता है कर्ण
बटे लंब। कर्ण कितना है देख रहे हैं, 11 है देख सकते हैं अब, और लंब कितना आया था, तो लंब आया है 5। फिर इनको सबको शुरुआत से अपना दोबारा देख सकते हैं ऐसे, ए का आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, फिर ऐसे ही तीसरा, और ये है फिर लास्ट में।